हेलो एवरीवन, आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो प्याज की रेसिपी है और इसे बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो प्याज और आलू तो हर वक्त अवेलेबल होती है, तो बस उसी से मैं बनाऊंगी रेसिपी। तो मैंने क्या किए हैं, छोटे छोटे साइज के प्याज को चुन लिया है और उसे इकट्ठा कर लिया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत की जाए टमाटर से, तो मैंने दो टमाटर लिए हैं। मैंने साइज दिखा दिया, इसे मैं चार भाग में कट कर ले रही हूँ और इसे मैंने डाल दिया ग्राइंडर में। अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं रेसिपी तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो एक से दो हरी मिर्च डाल दें फ्रेंड्स। मैं एक ही हरी मिर्च डाली क्योंकि मैं आगे लाल मिर्च भी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है, बिना पानी डाले इसको एक बार पीस लेना है बढ़िया से पेस्ट बन जाती है। और यहाँ देखिए, मैंने प्याज को अच्छी तरह से छील लिया है, छील कर मैंने धुल लिया था। अब इस प्याज को या तो आप चार भाग में कट करके भी बना सकते हैं या फिर साबुत भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने साबुत ही रखा है, लेकिन जो जड़ पार्ट होता है, जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर मैंने इस तरह से प्लस का चिन्ह लगा दिया है ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और अंदर तक इसकी मतलब कि ग्रेवी अच्छे से चली जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सभी को कर लिया। अगर आप नहीं चाहते हैं इस तरह से करना तो साबुत भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं करती हूँ साइड। और यहाँ मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में मैं बहुत ही कम तेल में ये रेसिपी बनाऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा डाला है सरसों तेल। जब ये अच्छे से गर्म हो गई तो मैं डालूँगी प्याज, जो मैंने प्याज को कट किया था। अब इसे डालकर मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाना है ताकि ये ज़्यादा मतलब कि इसमें कलर नहीं आने देना है। कंटिन्यू चलाते हुए इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। तो लगभग आपको दो मिनट के लिए इसे भूने कंटिन्यू चलाते हुए। और जब इसकी कलर थोड़ी सी चेंज होने लगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जब इसकी थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए तो आपको क्या करना है कि इसको निकाल लेना है। बस हल्का सा इसको भूनकर इसको हल्का सोना बनाना है, बस यही करना है फ्रेंड्स। तो इसको हल्का भून लिया है मैंने। चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, इसे ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी। मतलब हल्का सा मैंने ट्रांसपेरेंट किया है, मतलब एकदम लाइट कलर, गोल्डन कलर देख सकते हैं आप। कहीं भी गोल्डन कलर इसकी नहीं आई है तो इस स्टेज पर इसको निकाल लेना है। उसके बाद उसी कढ़ाई में थोड़ी सी तेल मैंने डाली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर तेल की क्वांटिटी बढ़ा कर ले सकते हैं। मैं बहुत कम तेल में ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। उसके बाद तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगी तो इसी बीच में आपको डाल देना है खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैंने डाला एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटा चम्मच मैंने डाला है जीरा, साबुत जीरा डाला है। इन सभी को मैंने अच्छे से चटकने दिया है। वैसे भी तेल गर्म थी तो बहुत जल्दी ये चटक गई है। तो इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने मीडियम साइज़ के यहाँ पर छोटे साइज के चार प्याज लिए थे, उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक इसे भूनूंगी। तो मैं कितनी भूनूंगी फ्रेंड्स, मैं भूनने के बाद ही आपको फिर दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए, ये भूनने के बाद इस स्टेज की आ गई है। तो इस स्टेज पर क्या करना है कि जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपको डाल देनी है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक डालने के बाद इसे फिर से भूनना है और इसका कलर अच्छे से थोड़ा सा और गोल्डन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हल्के टाइम भूनने के बाद मेरी प्याज की कलर काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो गई है। मैंने कम तेल डाला था। कम तेल में यही होती है कि थोड़ी सी टाइम लगती है कोई भी चीज़ को भूनने में, और ज़्यादा तेल होती है तो फ्लेम को आप मीडियम हाई करके अच्छे से भून सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डाल दिया इसी बीच इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने दो छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जो जनरल मसाले जो होते हैं। तो छोटे चम्मच से मैंने दो चम्मच धनिया पाउडर डाला है। तीखा अपने अकॉर्डिंग यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दो चम्मच मैंने लगभग यहाँ पर लाल मिर्च लिया है। और उसके साथ ही मैं लूँगी यहाँ पर हल्दी पाउडर, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग रख ले। तो मैंने यहाँ पर डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। साथ ही मैंने लिया आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब सभी को मैंने सूखा भून लिया है। यहाँ पर मैं पानी नहीं डालूंगी, पानी की जगह मैंने जो टमाटो की प्यूरी तैयार की थी ना उसे मैंने इसमें डाल दिया है। डालकर अच्छे से मिलाऊंगी और मिलाने के बाद इसे तेल सेपरेट होने तक अच्छे से भूनना है। तो मैंने तेल कम डाला है तो मैं लो फ्लेम पर ही इसे धीमे धीमे भूनूंगी। जब अच्छी तरह से ये भून जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी तेल से सेपरेट होने तक। तो हल्के टाइम मतलब लो फ्लेम पर भूनते भूनते देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मसाले में शाइनिंग आ गई है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पर आपको क्या करनी है कि घर की कोई फ्रेंच क्रीम जो मलाई होती है उसे निकाल लें। यहाँ पर क्वान्टिटी आप दो चम्मच डाल सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने में क्रीम, दूध जितना यूज करेंगे उतना ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। मतलब शाही रेसिपी ये हो जाती है, सिंपल प्याज की शाही रेसिपी। फिलहाल मैंने दो चम्मच ही डाला है। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा के डालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने दो चम्मच मलाई डालकर इसको अच्छे से मिला लिया है। तो मलाई डालने से इसका क्रीमी टेक्सचर आता है और इसे और भी सुपर डिलीशियस बनाने के लिए आप इसमें एक काम और करें कि पानी की जगह आप इसमें दूध का यूज करें, ये रेसिपी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने भी लिया है आधी कटोरी दूध। अब चाहे तो इसमें थोड़ी सी पानी डाल सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं चाहते हैं तो पूरे दूध में भी इस रेसिपी को बनाएं।
ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट बदल जाएगा, टेस्ट और भी सुपर डिलीशियस हो जाता है। तो क्या करना है कि दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं डालूंगी जिस कटोरी से मैंने दूध डाला था ना, उसी से मैं बाद में थोड़ी सी पानी और भी डालूंगी। तो पहले मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी दोनों हाथों पर मल कर, ताकि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छे से उभर कर आए। उसके बाद मैंने छोटे चम्मच से डाल दिया दो चुटकी के बराबर यहाँ पर गर्म मसाला। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी, और कटोरा वाला जो दूध वाला कटोरा था उसी से मैंने पानी डाला। तो आधा कटोरा मैंने दूध डाला है और आधा कटोरा मैंने पानी डाला है। ग्रेवी अपने अनुसार पतली गाढ़ी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद चलिए अब जो मैंने प्याज को भुना हुआ था ना उसे मैंने डाल दिया, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों चीज़ों को मिलाकर, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो इसलिए भी, और मतलब कि प्याज भी पूरी तरह से पकी हुई नहीं है तो इसे भी लो फ्लेम पर अगर पकने देंगे तो अच्छे से तेल सेपरेट हो जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी। मेरी रेसिपी कितनी प्यारी लग रही है देख कर, यहाँ पक्का अंदाज़ा लग रहा होगा देखकर मुंह में पानी आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बना डालिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जब आप इसकी गार्निशिंग करें मतलब कि इसकी प्लेटिंग करें तो थोड़ी सी क्रीम से इसकी गार्निशिंग कर दें, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं मिलती रहूंगी आपसे नए नए वीडियोज़ के साथ। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी दोस्तों।